हेलो एवरी वन हाउ यू ऑल आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड आई होप कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं एस बी आई जी के पोस्टपोनमेंट की एक न्यूज़ बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में फैली हुई है आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज नेगेटिविटीज ऑल दीज थिंग्स कहीं ना कहीं ये आपके जो प्रिपरेशन है ना उसको हैम्पर करती है आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए इन चीज़ों से कभी भी ठीक है आपकी प्रिपरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आप जबरदस्ती का अपना टाइम जो है ना इन चीज़ों में वेस्ट व्या करेंगे इन न्यूमेरस नोटिफिकेशन इन न्यूमेरस वीडियोज आप सिर्फ एक ही टॉपिक पर देख रहे हैं कब आएगा कब नहीं आएगा ये नहीं करना है हमको चाहे अभी आए या नेक्स्ट मंथ आए या उसके बाद आए लेकिन आएगा जरूर ये हमको ध्यान में रखना है ना एंड वी नीड टू प्रिपेयर वेरी वेल ताकि जब आए तो हम फुल्ली रेडी हों ठीक है तो ये वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही बेसिक वे में आपको एक बार में सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी समझाने वाली हूं कि आपको सारे सब्जेक्ट्स में क्या करना है ताकि आपकी प्री प्लस मेन्स की प्रिपरेशन एसबीआई क्लर्क ले हो सके एंड हम फाइनल सिलेक्शन ले सके ठीक है मैंने ऑलरेडी टू लिस्ट की वीडियो पूरी बनाई हुई है अगर कोई बिल्कुल ही बिगनर होगा बिल्कुल फर्स्ट टाइम बैंकिंग के प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो टूर लिस्ट की प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसको जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा और वहां से स्टार्ट कर लीजिएगा नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन ये सारी चीजें मैंने आपको ना पहले एक्सप्लेन कर दी है लेकिन यहां पर हम फिर से सारी चीजों को रिपीट कर रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ डिस्कस करेंगे इंग्लिश में आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है वो कैबुलरी आपको हर दिन मेंटेन करनी है कहां से करेंगे द हिंदू के एडिटोरियल जब आप रीड करेंगे ना तो वहीं से वर्ड्स उठा करके उनकी मीनिंग्स डिफिकल्ट वर्ड्स उनकी मीनिंग्स नोट डाउन करके सेवन टू एट वर्ड्स ऐसा अपनी प्रैक्टिस डेली हैबिट अपनी बनाएंगे ठीक है नेक्स्ट है फ्रेजेस फ्रेज रिप्लेसमेंट के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमारे टोटल फाइव मार्क्स पूरे चले जाते हैं ठीक है तो फ्रेजेस हर दिन आप हैबिट में रखिए है कि आपको फाइव फ्रेजेस हर दिन सीखने हैं और सेंटेंसेस में यूज करिए उसके बाद द हिंदू का एडिटोरियल आपको पढ़ना है एवरी सिंगल डे रीड करना है आपको द हिंदू एडिटोरियल और अच्छे से आर्टिकल्स की रीडिंग करनी है ये आपके मेंस में स्पेशली आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है इस प्रैक्टिस से तो इसको छोड़ना नहीं है नेक्स्ट है सेक्शनल मॉक्स सेक्शनल मॉक्स की इंपॉर्टेंस इंग्लिश सेक्शन में मैंने आपको बहुत ज्यादा समझाई है कि इस सेक्शन में हमारे पास अच्छी कोई यूट्यूब चैनल मैं रिकमेंड नहीं कर सकती जिसमें आपकी इंग्लिश की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी इसलिए यहां पर सेक्शनल मॉक्स जो होते हैं ना वो बेस्ट वे होते हैं प्रिपेयर करने का ठीक है तो सेक्शनल मॉक्स आपको टाइम टू टाइम देते रहना है और अपनी इंप्रूवमेंट देखनी है उसमें उसके मेंस के सेशंस मैंने आपको एडवाइस किए थे कहीं से भी आप देख लीजिए यूट्यूब में आप सिर्फ टाइप करिए मेंस इंग्लिश सेशंस ठीक है मेंस इंग्लिश क्वेश्चंस तो आपको जो भी सामने आता है ना बीच बीच में प्रैक्टिस किया करिए मतलब मैं टू थ्री डेज में ये चीज आपको करने बोल रही हूँ कि मेंस का मॉक भी आपको देना है जो इंग्लिश सेक्शन का मॉक होगा मतलब सेक्शन थर्टी टू फोर्टी मिनट्स आपको लगेंगे उसमें और उसके बाद सबमिट करने के बाद जो क्वेश्चन आपसे नहीं भी बने रहेंगे उन सबको भी एक नजर आपको देखना है मतलब एक दिन अपने टू डू लिस्ट में आपको इंग्लिश में सिर्फ क्या करना है मेन्स की प्रिपरेशन करनी है ठीक है में ऐसा एक दिन आपको निकालते रहना है ताकि एक फ्लो जो है ना वो बना रहे बाद में जब प्री वगैरह हो जाता है ना उसके बाद मेन्स के लिए बहुत कम समय बचता है इसलिए हम अभी से ही मेन्स को लेकर चलेंगे ठीक है और लास्टली हमको प्रीवियस ईयर के मेमोरी बेस्ड जो पेपर होते हैं उनपे नजर रखनी है उनको सोल्व करके जरूर देखना है ठीक है और मैंने आपको हमेशा बोला है कि स्कॉलरशिप वगैरह

पर इसके अलावा आप कहीं और से पढ़ते हैं जहां आपकी बेस्ट प्रिपरेशन होती है जो टीचर से आपको बेस्ट समझ में आता है तो आप वहां से करिए लेकिन सबसे पहले ना क्लियर कर लीजिए एरिथमेटिक के ठीक है सारे चैप्टर्स के क्योंकि आपको मेंस में भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है डीआई वगैरह में एरिथमेटिक ही घुसा हुआ होता है उसके बाद डीआई आपको एरिथेटिके प्री लेवल की चार डीआई सोल्व करनी है लेकिन टाइमर लगाकर ऐसे आप दस घंटे में सोल्व करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा आपको टाइमर लगाकर सोल्व करना है भले स्टार्टिंग में ट्वेंटी मिनट्स लगे थर्टी मिनट्स लगे चार डीआई को सोल्व करने में लेकिन आपको उस टाइम को धीरे धीरे रिड्यूस करके फिर 20 टू 15 मिनट्स के अंदर आना है ठीक है उसके बाद आपको डीआई हर दिन मेंस लेवल की एक सॉल्व करनी है और इसमें टाइम के पीछे मत भागिएगा इसमें आपको क्या करना होता है देखना होता है कि डीआई आपसे सॉल्व हो जाए यही आपके लिए स्टार्टिंग में बहुत बड़ी बात होनी चाहिए कि आपसे सॉल्व हो जाए भले 20 मिनट्स से बने 25 मिनट्स से बने फिर धीरे-धीरे उस टाइम को आपको लेकर आना है कि आपसे मिनट्स में एक डीआई बन जा रही है ठीक है स्टार्टिंग में आपसे मेन्स लेवल की डीआई खुद से नहीं बनेगी इसलिए आप जब भी स्टार्ट करते हैं तो यूट्यूब से स्टार्ट करिएगा भी करिए करिए लेवल की लेकिन स्टार्ट से ही ठीक है और सबके अलावा आपको एवरी सिंगल डे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिकेशन अप्रोक्सिमेशन मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज इनके इनकेशन करने हैं और इन सबको करने का टाइम जो है आपका ट्वेल्व से फिफ्टीन मिनट्स होना चाहिए स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपसे ज्यादा टाइम लगे लेकिन आपको धीरे धीरे ये टाइम को ट्वेल्व से फिफ्टी मिनट्स में लेकर के आना ठीक है थीके? और हमको ये चीज जो है ना ये हर दिन करनी है बाकी चीजें इधर बदलती रहेंगी ठीक है एंड करना है, मेंस का भी देना है। और मेन्स का मॉक समझ लीजिए आपने दे दिया आज के टू डू लिस्ट में मैंने क्वांट में सिर्फ और सिर्फ क्या किया है मेंस का किया, समझ लीजिए ठीक है तो उसमें मेरे थर्टी टू फोर्टी मिनट्स गए समझ लीजिए उसके बाद हम एनालाइज करेंगे वन आवर वन एंड हाफ आवर मेरा हो गया आज का क्वांट का सेक्शन डन लेकिन मेरे पूरे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हुए होंगे तो नेक्स्ट डे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा मीन्स के उन क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर लीजिएगा ठीक है उसके बाद आते हैं रीजनिंग पे अड्डा टू फोर सेवन की प्लेलिस्ट से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं जो मिसलिनियस पोर्शन है सारे के सारे अगर आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट तभी नहीं जानते हैं तो वहां पर प्ले बनी हुई होती है अलग अलग एग्जामिनेशन की जैसे आईबीपीएस क्लर्क एस क्लर्क इस तरीके की प्ले बनी हुई होती है थर्टी टू फोर्टी वीडियो उसमें होंगे अलग अलग सेक्शन के तो रीजनिंग की कोई भी प्ले लिस्ट उठा के वहां से अपने कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए कुछ टॉपिक्स के स्पेशल चैनल्स बता रही हूँजिज्म के लिए इन्फीनाइट से मिल ये जो है चैनल उसमें बेस्ट तरीके से समझाया गया है क्रिटिकल रीजनिंग मेरिट शाइन इसे फॉलो कर लीजिएगा एंड पजल्स के लिए यू मस्ट गो टू अंकुश लांबा सर्स वन थाउजेंड पजल सीरीज ठीक है कहा से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियरिंग कर सकते हैं उसके बाद आपको हर दिन चार पजल प्री लेवल के सॉल्व करने हैं टाइमर लगाकर ही सॉल्व करिएगा इसमें समझ लीजिए एक पजल में भले आपको स्टार्टिंग में फाइव मिनट्स लगे सिक्स मिनट्स लगे लेकिन धीरे धीरे आपको एक पजल को ऐसा हैबिट बना लेनी है कि दो मिनट में आपसे बन जाए ठीक है उसके बाद देखिए एक पजल मेन्स लेवल का आपको हर दिन एवरी सिंगल डे जैसे मैंने यहां पर डी बोला वैसे ही आपको एक मेन्स लेवल का पजल यहां पर सॉल्व करना है ठीक है और यहां पर मैं अलग से कैटेगराइज नहीं किया था लेकिन आप इंश्योर करिएगा कि इंग्लिश में आप आरसी एक प्री लेवल का और एक मेन्स लेवल का हर दिन सॉल्व कर रहे हो ये चीज को जरूर एनश्योर करिएगा एंड जैसा मैंने आपको क्वांट में भी बोला वहां पे यहां पे भी आपको रीजनिंग में सेक्शनल मॉक्स देने हैं ठीक है और मेंस का एक मॉक वंस इन अ वीक जैसे मैंने वहां पे बोला कि आप अपने शेड्यूल में रीजनिंग के लिए एक दिन सिर्फ क्या करेंगे मेंस के मॉक लगाएंगे ठीक है उसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे आप बनाएंगे जो आपसे बन रहे फिर जब टाइम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद बैठ के वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपसे नहीं बने थे और जो बच भी जाएगा ना फिर उसको नेक्स्ट डे थोड़ा सा इंक्लूड कर लेना है ठीक है उसके बाद देखिए मिसिलीनियस जो मैंने जैसे वहां पर क्वांट में सिंपलीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के सारे सारे क्वेश्चन करने आपको फाइव फाइव क्वेश्चन करने बोले थे वैसे ही यहाँ पर भी आप कोई भी फोर टॉपिक्स जैसे सिलोजिज्म हो गया कोडिंग डिकोडिंग हो गया ब्लड रिलेशन हो गया डिस्टेंस डायरेक्शन हो गया आज मैंने ये चारों टॉपिक उठाई और इसके फाइव फाइव क्वेश्चंस किए कोई भी फोर टॉपिक्स अलग अलग उठा उठा कर आप फोर फोर टॉपिक्स को फाइव फाइव क्वेश्चन हर दिन आपको करते जाना है लेकिन अगेन विथ टाइमर इस चीज़ को एकदम याद रखिएगा बिल्कुल भूलिएगा मत ओके okay? लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज करंट अफेयर्स जो हमको स्टार्टिंग से ही पढ़ना है बिल्कुल हमको छोड़ना नहीं है क्योंकि लास्ट मोमेंट में हम नहीं सही से कवर कर पाते हैं ठीक है तो अफेयर्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन अगर अभी तक भी नहीं लिया होगा तो प्लीज अब स्टार्ट कर दीजिए अब बैंकिंग जो एग्जामिनेशन का सीजन है ना वो धीरे से अब ऑन हो जाएगा फिर बाद में आप रिग्रेट करेंगे अभी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और इसका पीडीएफ आपको पढ़ना मस्ट है क्योंकि ये कॉम्प्रीहसिव पीडीएफ है इसमें सब कुछ कवर हो जाता है आपका बैंकिंग हो या आपका फाइनेंस न्यूज हो या स्टैटिक न्यूज हो कहीं भी अलग से दौड़ने की जरूरत नहीं है सब कुछ यहीं पर कवर हो जाता है डेली पीडीएफ नहीं भी पढ़ पा रहे हैं ना वीकली नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो मंथली इसका मस्ट है इसको आपको कवर करते हुए ही चलना है एवरी सिंगल डे आपको टारगेट बनाना है कि मेरा पिछले मंथ का दस से बीस पेजेस डेली कवर होता रहे ठीक है सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जाकर अभी भी आपके पास टाइम जाकर जरूर ले लीजिएगा ओके काम करना है वो है डेली करंट अफेयर्स का वीडियो को फॉलो मैंने फ्री ही के, सब चलेगा, लेकिन डेली वीडियो का एक सोर्स अपना जरूर रखिएगा एंड डेली या वीकली बेसिस पे क्विजेस भी सॉल्व किया करिए ठीक है क्विजेस आपको अफेयर का सब्सक्रिप्शन लेने पे मिल जाते हैं सब कुछ मतलब अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया ना तो आर सॉर्टेड फॉर वन ईयर और वहां पर आपको क्या क्या मिलेगा क्विजेस डेली पी डी एफ वीकली पी डी एफ मंथली पी डी एफ डेली क्विजेस वीकली क्विजेस मंथली क्विजेस एंड टॉपिक बेस्ड पी डी एफ स्टडी पी डी एफ कॉन्टेंट पी डी एफ आपको एग्जाम बेस्ड पी डी एफ मिलेंगे मतलब एवरी थिंग यू विल गेट ओके तो सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिएगा और इतनी चीजें जो मैंने बताई ये अगर आपने कर ली ना तो आपका एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता फालतू चीजों में भटकिएगा मत जब आप बैंकर बन जाएंगे ना तब आपको सुबह से रात तक कंटिन्यूअसली नाइन आवर्स तो बैंक में ही देने पड़ेंगे नाइन से टेन आवर्स तो इसी तरीके की अपनी एक हैबिट बनाइए है, कि चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन मुझे नाइन आवर्स टेन आवर्स पढ़ने हैं पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं ठीक है दैट वॉज ऑल फॉर टूडे माई डियर एस्पायरेंट्स दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ सी यू एंड नेक्स्ट सेन स्टेट हैपी स्टे ब्लेस्ड कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग